हे फ्रेंड्स, वेलकम टू हैदराबादी खाना। आज हम बारबेक्यू चिकन बनाएंगे। बारबेक्यू चिकन बनाने के लिए हमने 3 होल चिकन के पीसेस कर लिया है और इसको वॉश और ड्राई कर लिया। चिकन में इस तरह के स्लिट्स लगा लिए। इस तरह के स्लिट्स लगाने से मसाला अच्छा से एब्जॉर्ब हो जाएगा। चिकन के ड्राई पीसेस में हम 6 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। थ्री टी स्पून सॉल्ट भी ऐड कर दिए हम। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 3 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1.5 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड करेंगे। टू टीस्पून जीरा पाउडर ऐड करेंगे। टू टीस्पून धनिया पाउडर भी ऐड करेंगे। गरम मसाला पाउडर 3 टेबलस्पून। वन टीस्पून कबाब चीनी पाउडर, 1 टीस्पून व्हाइट पेपर पाउडर और 3 टीस्पून तंदूरी मसाला ऐड करेंगे, जो हमने रेडीमेड तंदूरी चिकन मसाला लिया है, आपको कोई भी ग्रोसरी स्टोर में मिल जाएगा। 1 कप हंग कर्ड भी ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून लेमन जूस भी ऐड करेंगे। 3 टेबलस्पून ऑयल भी ऐड कर देंगे। मसाला अच्छा से चिकन में हम मिक्स कर लेंगे और मैरिनेट करके अच्छा से मैरिनेशन को 24 आवर्स उसको ओवरनाइट हम रख देंगे। अगर आप ओवरनाइट नहीं रख सकते तो 3 to 4 आवर्स एटलीस्ट रखिए, ताकि अच्छे से मसाला चिकन में एब्जॉर्ब हो जाए। थोड़ा सा फूड कलर हमने ऐड किया है यहाँ पे, ये ऑप्शनल है। अब हमने बारबेक्यू को रेडी कर लिया है। थोड़ा सा उसको घी से हमने ग्रीस कर लिया। चिकन भी रेडी है। चिकन को हमने बारबेक्यू के ऊपर रख दिया है। चिकन पीसेस को या तो घी या ऑयल या बटर से आप ग्रीस कर सकते। हमने यहाँ पर घी यूज़ किया है। चिकन पीसेस को चेक कर लेते रहिए। एक साइड अगर ब्राउन हो गए तो उसको टर्न कर लीजिए। थोड़ा सा हमने जल्दी कुक होने के लिए बारबेक्यू पॉट को कवर कर दिया लिड से। थोड़े से पीसेस रेडी हो गए तो हमने उन्हें टर्न कर दिया है। अगर आपको पीसेस ड्राई दिखे तो थोड़ा और घी उसको ऐड करते जाइए ब्रश से। जैसे रेडी होते जाएंगे हम उनको रिमूव कर लेंगे दूसरे डिश में। बारबेक्यू इज़ रेडी टू ईट। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।